ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका नामकरण कैसे हुआ वो आप लोगों को पता चल गया है। अब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके पीछे कारण है कि इस सिविलाइजेशन या इस जगह सिविलाइजेशन का जो पहला जगह जहाँ पर खुदाई हुआ वह जगह था हड़प्पा, और इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यह 4700 साल पुराना सभ्यता है, केवल इस वक्त यानी कि आज से 4000 साल पहले या इसके आसपास केवल यही केवल सभ्यता हमारे विश्व में विकसित नहीं हुई, बल्कि और भी सभ्यताएं हैं जो विकसित हुए, और वो सभ्यताएं थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। ये कुछ सभ्यताएं हैं जो रिवर वैलीज पर फ्लोरिश हुई, फली फूली, और ये जितनी भी सभ्यताएं हैं वो लगभग 5000 साल पहले फली फूली। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है यह नील नदी के तट पर यानी कि उसके अगल बगल विकसित हुई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बैंक में किनारे पर विकसित हुई, और जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वह वांगो नदी के किनारे पर विकसित हुई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जितने भी सभ्यताएं हैं, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या चाइनीज सिविलाइजेशन, सभी का विकास जो है नदी घाटियों पर हुआ।